हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। हम लोग एनसीईआरटी बुक की 6th क्लास कंप्लीट कर चुके थे हिस्ट्री की। 7th क्लास हमारी चल रही थी जिसमें हमने दो चैप्टर कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, दिल्ली के सुल्तान। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो स्कूल में बुक्स चल रही होती हैं 12th क्लास तक की, वो आपका जो है वो बेस क्लियर करती है और आपको बहुत सारे फैक्ट कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर होते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड चाहे आरएएस तक की, या हम अगर छोटे एग्जाम की बात करें, थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, एनसीईआरटी बुक जो है वो मस्ट है। सीटेट का यदि आपने फॉर्म भरा है, बिना एनसीईआरटी के आप लोग एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकते। तो एनसीईआरटी बुक जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने स्टार्ट नहीं किया है तो पढ़ना स्टार्ट करिए, यदि आप वाकई में एग्जाम को एक बार में ही क्रैक करना चाहते हो। हमने अध्याय दो में देखा था, देखिए अध्याय दो में हमने बात की थी कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक कई राज्य जो है वो उभर कर आते हैं, कई जो है वो राज्य दूसरे राज्यों को हरा कर अपने आप को शक्तिशाली कर लेते हैं और अपने राज्य स्थापित करते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो है राज्य स्थापित हो जाते हैं। तो हमने अध्याय दो में देखा कि कावेरी डेल्टा, तो दक्षिण भारत में देखा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए। क्या आपने गौर किया कि अध्याय दो में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि दिल्ली जो है वो महत्वपूर्ण शहर जो है वो 12वीं शताब्दी में जाकर बनता है, क्योंकि 12वीं शताब्दी जो है यहाँ पर जो तोमर शासक थे वो शासन करते थे। तोमर जो है वो सबसे पहले दिल्ली पर शासन करते थे। अब इनको जो है वो कौन हराते हैं? इनको चौहान हराते हैं। फिर जो है वो दिल्ली जो है वो महत्वपूर्ण शहर बनकर उभर कर सामने आता है और यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे करके कई जो शासक हैं वो यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लड़ाइयां करते हैं। तालिका एक पर नजर डालिए, तो तालिका एक जो है यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको जो शहर दिखाई देंगे, देखिए फिरोजाबाद है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो होज खास है, सीरी नामक शहर है। तो ये दिल्ली के जो सुल्तान है वो आकर यहाँ पर बसाते हैं। ठीक है, जहां पना है, तो इससे पहले नहीं थे, तोमरों का शासन था, लेकिन बाद में जो है वो जब दिल्ली पर सुल्तानों का राज्य रहा तो उन्होंने धीरे धीरे करके जो है ये जो नगर है वो बसाए। तालिका एक पर नजर डालिए, पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? तो 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिनको पहले चहमान कहा जाता था, इन्होंने परास्त किया। तो महत्वपूर्ण लाइन क्या है कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर किन शासकों का शासन था? तोमरों का शासन था। इनको किन्होंने हराया? चौहानों ने। तोमरों और चौहानों के राज्य काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया और यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। तो सबसे पहले तोमरों का शासन था जिनको चौहाना ने हराया और यहाँ पर जो सिक्के चलते थे वह देहलीवाल सिक्के थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका एक पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। तो एक में जो है वो हमने देखा दिल्ली ए कोहना जो है वो बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सीरी जो है वो शहर बनाया इन्होंने ही, जहां पना शहर जो है वो बनाया। तो इनको जो पहचानी है तो इस मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तुगलकाबाद जो है यहाँ पर, तो दिल्ली जो क्षेत्र था वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। तो यहाँ पर जो है वो कई जो है वो नए शहर जो है ये बसाते हैं दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, कुतुब मीनार देखिए यहाँ पर है। उसके बाद जो है वो तालिका एक को देखिए, दिल्ली के शासकों के बारे में बताया गया है कि किन किन शासकों ने जो है वो कब कब शासन किया। तो राजपूत वंश की अगर बात करें तो सबसे पहले तोमर शासकों ने किया आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। अनंगपाल उसके बाद आए 1130 से 1145। उसके बाद जो है इन तोमरों को हराया चौहानों ने और चौहानों का जो है वो शासन 1165 से 1192 तक रहा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है 1175 से 1192 तक का इनका समय है। उसके बाद जो है वो तुर्की शासक आए 1206 से 1290 तक, जिसमें गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा। उसके बाद जो है वो इल्तुतमिश आया, इसी का दामाद था, जो 1210 से 1236 तक रहा। फिर इसकी जो बेटी है रजिया, वह आई 1236 से 1240 तक, रही 4 सालों तक।
फिर बलवन जो है इसका समय आया 1266 से 1287 तक, ठीक है। तो ये जो है इनका समय रहा। फिर तुर्की शासक जो है या गुलाम वंश जो है वो सबसे पहले इसने शासन किया। उसके बाद दूसरा जो वंश आता है वो खुलची वंश आता है 1290 से 1320 तक, जिसमें दो महत्वपूर्ण जो है यहाँ सुल्तान रहे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। फिर तुगलक वंश आया खिलजी वंश की समाप्ति के बाद, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक जो है जिसने इसकी स्थापना की, तुगलक वंश की, मोहम्मद तुगलक आया, फिरोज शाह तुगलक आया। तो यहाँ पर जो है साइड में आप देख सकते हो अलाई दरवाजा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के शासक थे, इन्होंने अलाई दरवाजा बनवाया। सैयद वंश आया जिसके संस्थापक थे खिजर खान, ठीक है। इनका समय था 1414 से 1421 तक। सैयद वंश के बाद कौन आता है? लोदी वंश, तो बहलो लोदी जिसकी स्थापना करते हैं। तो कम ही समय रहा था इनका। उसके बाद आप जो है यहाँ पर देख सकते हो दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनाया गया यहाँ फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, ठीक है। अब हमने शॉर्ट में जो है वो जान लिया है कि दिल्ली पर समय समय पर जो है तोमरों के बाद जो है किन जो सुल्तान थे उनका शासन रहा। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी जो है वो कैसे मिलती है? तो देखिए, कोई भी जो स्थापत्य कला होती है या फिर इनके द्वारा जो चित्रकारी की जाती है तो उसके द्वारा पता लगता है। हालांकि अभिलेख हैं, जैसे अशोक के अभिलेखों के बारे में हमने, अशोक के बारे में जानकारी मिली है, सिक्कों के बारे में पता लगता है, और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन और तवारीख बहुवचन, ये थोड़ा हिंदी में आप ध्यान रख सकते हो कि जो तारीख ये लिखा हुआ है ये एक वचन है, इसी का जो बहुवचन है, कई बच्चों को नहीं पता है बहुवचन इसका क्या हो सकता है, तो वो कहेंगे कि इसका कोई बहुवचन नहीं होता है, इसका होता है बहुवचन तवारीख, ठीक है। जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की जो भाषा थी वो फारसी में लिखे गए। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी एक ही रहेगी, दिल्ली के सुल्तानों की जो भाषा थी प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वह फारसी भाषा थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो विद्वान है, ठीक है, कोई कवि है, कोई लेखक है, तो ये उस सुल्तान के बारे में, उनके जो काम जो वहां वो करवाते थे उनके बारे में, उनकी प्रशंसा के बारे में, जैसे अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से बताया, ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था हमने इलाहाबाद प्रशस्ति में, जैसे उसने लिखवाया, उसी तरीके से दिल्ली सुल्तानों ने भी जो है वो समय समय पर ये कार्य करवाए, ठीक है, पांडुलिपियां जो है वो तैयार करवाई, जो भी इतिहास था वो इसमें दर्ज हुआ। तो तवारीख के जो लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे शिक्षित व्यक्ति होते थे, ये पढ़े लिखे होते थे, जो कि घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी जो है वो सलाह भी देते थे कि ये जो है इस तरीके से होना चाहिए। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र, न्याय चक्र क्या है? तो 13वीं सदी के इतिहासकार रहे हैं फक्र ए मुदब्बिर, इन्होंने क्या लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, फाइनेंस से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो, ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार और प्रशासन को बढ़ावा दे। तो यहाँ पर जो है प्रशासनिक संबंधी जो राय दी है इस इतिहासकार ने, ये कहा है कि सैनिक जो है इनके बगैर राजा कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है, और सैनिक जो है वो तभी काम करेगा जब उसको वेतन दिया जाएगा, और वेतन जो है वो कहां से आएगा? किसानों से इकट्ठा किया जाएगा, भू राजस्व से, ठीक है। लेकिन जब किसान जो है वो राजस्व कैसे चुकाएगा? जब उसको जो है खुश रखेगा राजा, ठीक है, प्रसन्न रखेगा, उसकी जो है वो खेती जो है वो अच्छी होगी, ठीक है, और राजा ईमानदार होगा तो इस प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। यानी एक जो इंसान है वो दूसरे पर डिपेंड है, और राजा जो है वह बिना इन किसानों के, बिना इन सैनिकों के काम कर ही नहीं सकता। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग जो है वो सहमत नहीं होते थे। अब हर जगह जो है कोई ना कोई दूसरी अपोजिट बात करने वाला तो होता ही है। तो जो इतिहासकार थे या फिर बहुत अच्छे जो है प्रशासन चला सके राजा, ऐसी जो है वो राय दिया करते थे, तो इनसे कई लोग तो सहमत हो जाते थे, कई लोग जो है सहमत नहीं होते थे। तो ये जो जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका मतलब क्या है? जन्म सिद्ध यानी जन्म से ही जो है वो अधिकार प्राप्त हो, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करना। उदाहरण के लिए,
लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। ठीक है, तो अगर कोई राजा है उसके यहाँ पर किसी पुत्र का जो है वो जन्म हुआ है, जो राजकुमार है, तो उसको विरासत में ये चीज मिली हुई है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो आगे चल के राजा ही बनेगा। लिंग भेद क्या था कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच जो है वो सामाजिक और शरीर रचना संबंधी अंतर। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो परिभाषा हो गई। लिंग भेद का क्या मतलब है, स्त्रियों और पुरुषों के बीच जो है वो शारीरिक रचना संबंधी अंतर तो है ही, साथ में सामाजिक अंतर भी। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, शारीरिक रचना के आधार पर जो है ये लोग मानते थे कि पुरुष जो है वो स्त्रियों से श्रेष्ठ है। सन 1236 में सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी जो है वो रजिया सिंहासन पर बैठी, और उस युग के इतिहासकार जो है कौन है, मिनहाज-ए-सिराज, इन्होंने ये स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य है, सक्षम है, तभी वो सिंहासन पर बैठी है। लेकिन वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, जो लिंग भेद की हमने बात की जो शक्तिशाली है वो पुरुष ही है। तो रजिया जो है वह माना कि अपने भाइयों से योग्य है, सक्षम है, लेकिन फिर भी जो है वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकती है, लोगों ने भी मान्यता इसको नहीं दी थी। तो एग्जाम में जो है सीटेट जैसे एग्जाम में तो हुबहू यही लाइनें पूछ ली जाती हैं कि किस इतिहासकार ने ये लाइन कही है कि रजिया जो है वो अपने भाइयों से अधिक योग्य है, सक्षम है, लेकिन जो है रानी के शासक के रूप में उसको मान्यता नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो ये लाइन जो किसकी है, मिनहाज-ए-सिराज की है, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन है। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है, इसी वजह से रजिया के बारे में मिनहाज-ए-सिराज के क्या विचार हैं कि क्यों नहीं जो है रजिया को जो है गद्दी पर बैठने दिया गया, क्यों उसको हटाया गया, तो मिनहाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था, उस वंश की रानी थी रुद्रमा देवी। तो इनका समय था 1262 से 1289। इनके व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल अलग था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम जो है वो पुरुषों जैसा लिखवा कर अपना जो अपने को जो है पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि रजिया के साथ साथ जो है वो दो और महिलाओं का जिक्र हुआ है। एक तो है काकतिया वंश जो आंध्र प्रदेश में वारंगल क्षेत्र में था, उसकी रानी थी रुद्रमा देवी। तो ये भी जो है शासन के संबंधी जो है इनको काम में आगे इनका नाम आता है। और दूसरी हमने देखी कि एक जो महिला शासिका थी कश्मीर की रानी दिद्दा। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक कैसे फैला, तो इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख जो शहर है तो इनके बारे में डिटेल में जो है वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। जब तक जो पढ़ाया है इसको ध्यान से जो है वो मन लगाकर पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।